हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। हमने इसे बिना बुकरम के बनाया हुआ है और आज हमने देखिए कुछ डिफरेंट टाइप की चोली बनाई हुई है इनकी। अभी हमने यहाँ पे मिरर वर्क लगाया है फैब्रिक ग्लू की से, जो सूखा नहीं है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये ड्रेस बिना बुकरम के बनाई है, फिर भी देखिए ये काफ़ी हार्ड है। हमने यहाँ पे इसे पेपर की हेल्प से बनाया हुआ है। ये ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी इसे आराम से बना सकते हैं। हमने इसे बहुत ही इजी वे में बताया हुआ है। हमने ये ड्रेस इस मेजरमेंट चार्ट की हेल्प से बनाई है। यहाँ पे हमने 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी का मेजरमेंट दिया हुआ है। आप ये ड्रेस 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आराम से बना सकते हैं। इस मेजरमेंट चार्ट की क्लियर फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी गाइज। अगर आपने मुझे वहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे मुझे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौड़ाई में हमने मेजरमेंट दी है, पूरी पॉइंट में है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लें। वहाँ पे मैंने पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और डायमीटर कट करने का भी लिंक मैं डाल दूंगी, वो भी आप चेक कर लें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ देखिए पेपर के ऊपर डायमीटर कट किया हुआ है। हमने यहाँ पे 11 इंच का डायमीटर कट किया हुआ है। आज हम 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं। यहाँ पे हमने सभी नंबर के लिए डायमीटर दिया हुआ है, आप इस हिसाब से कट कर लें। अब देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे, हम कमर कट करेंगे। ये हमारी कमर कट हो गई है। अब देखिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर में नेट का फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम लगाएंगे इसके ऊपर। हमें ऐसे करके प्लेट डालना है, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए डालेंगे प्लेट ऐसे करके। तो चलिए हम यहाँ पूरे राउंड पे प्लेट डाल लेते हैं। हमें इतनी दूर प्लेट डालनी है। हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके फैब्रिक लिया हुआ है, बाद में हम इसे कट करके निकाल देंगे। देखिए हम हाफ पे लगा रहे हैं, हाफ हमारा बच जा रहा है। तो आपको जितने भी नंबर के आप बना रहे हैं आपको ऐसे ही करना है। हमने यहाँ पे देखिए नेट का फैब्रिक लगा लिया है। नेट लगाने के बाद हमने देखिए इस पर आपको 2 सिलाई दिख रही होगी, तो ये वाली जो सिलाई है इसे हमने देखिए एकदम इक्वल लगाया है नीचे से। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर में चंदेरी का फैब्रिक लगाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ से मेज़र करना है इतना, जितनी भी आपकी मेज़रमेंट आती है उससे आप कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएं। जैसे देखिए हमारा 2.75 इंच आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई का कट कर लिया है। और इसकी लंबाई देखिए हमने जो मेज़रमेंट चार्ट में दी हुई है आपको वही कट करनी है, 45 इंची। अब देखिए हमें इसको लगाना है, और इसको लगाने से पहले हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लगा देंगे। हमने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई वाला ये फैब्रिक कट कर लिया है, हमने चंदेरी में से ही कट किया है। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, फिर एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे, और 2 बार फोल्ड करने के बाद हमें ऐसे यहाँ पे लगाना है। ऐसे हमारा निकला निकला सा आएगा, हमें ऐसे पूरे राउंड पे लगा लेना है इसे, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे आ जाएगा पूरे राउंड पे। और जब हम इसे लगा लें तो देखिए हम इसे लगाएंगे। और इसे आपको कैसे लगाना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्लेट डालते जानी है, एकदम पास पास प्लेट डालनी है ऐसे करके, ऐसे ये देखिए। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं पूरे राउंड पे, फिर इसे लगाएंगे। हमने देखिए इसके ऊपर सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने देखिए इसे भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो हमने नीचे प्लेट डाली है वही प्लेट हमें ऊपर डाल लेनी है। ये देखिए ऐसे बराबर करते हुए आएंगे और यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे। ऐसे करते हुए ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम सभी प्लेट्स को डाल देते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ से प्लेट डाल के सिल लिया, फिर हमने जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था उसे हमने कट करके निकाल दिया। अब हम पेपर निकाल देंगे। ये देखिए हमारा वैसे ही निकल रहा है बार बार सिलाई होने की वजह से। अब देखिए हम इसके ऊपर कुछ लेस लगाएंगे, उससे पहले हमें इसे यहाँ से लॉक करना होगा। तो देखिए यहाँ से कट कर देते हैं इसे। ये हमने कट कर दिया, और हमने ये लेस ली हुई है इसकी हेल्प से हम लॉक कर देंगे। ऐसे करके हमें लगाना है, ये देखिए ये लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। ये लेस हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगाएंगे। तो चलिए हम इसे लॉक कर लेते हैं दोनों साइड से। और लॉक करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे 2 लेसेस ली हुई हैं,
एक हमने ये मल्टी कलर में लिया है और एक हमने गोल्डन कलर में लिया है। सबसे पहले हम यहाँ राउंड पे ये वाली लेस लगा लेंगे। जैसे देखिए हमने इसे लॉक नहीं किया था फैब्रिक को इस वाले, तो ये जब हम यहाँ से लगा देंगे तो ये लॉक भी हो जाएगा। और जब ये लॉक हो जाए तो देखिए यहाँ से हम ये लेस लगा लेंगे। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं। ये देखिए हमने ड्रेस के ऊपर लेस लगा लिया, हमने यहाँ से लगा ली, फिर यहाँ से, और एक राउंड हमने यहाँ से भी लगा ली है यही वाली लेस। और फिर हमने देखिए मिरर चिपका लिया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। हमारा घेर बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसे सूखने को रख देंगे और चोली बनाएंगे। हमने यहाँ पे मेजरमेंट चार्ट ले लिया है। ये देखिए 5 नंबर के कान्हा के लिए हमें 12 इंच लंबा और 1.2 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए। तो हमने देखिए चौड़ाई को डबल कर देना है। अब ये 1.2 इंच है, तो ये देखिए ये हमारा 1 इंच है और ये हमारा 1.2 इंच है। तो इसको हम डबल जब कर देंगे तो ये देखिए ये 2.5 इंच हो जा रहा है। हमें 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक कट करना है, उसके बाद उसे ऐसे डबल कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने कर लिया है इसे, ये हमारा डबल फैब्रिक है। और डबल करने के बाद हमने इसे एक साइड से लॉक कर लिया है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे घेर को लॉक किया था वैसे हमने लॉक कर लिया है इसे भी। अब हम इसे बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हमें ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से थोड़ी दूर हम सिलाई लगा लेंगे जिससे ये ज्वाइंट हो जाए एक साइड से ऐसे करके। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे इसे सिल लिया और यहाँ से लॉक भी कर लिया है। अब हमने देखिए ऐसी चौड़ी लेस ली हुई है, इसे हमें फोल्ड करना है। देखिए आप कैसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इधर से एक बार वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसा शेप आना चाहिए हमारा। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसे हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे करके, हमें पीछे से लगाना है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ इसे सिल लिया है। अब हम यहाँ ऑरेंज कलर में ये लेस लगाएंगे, यहाँ से करके लगाएंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इधर से इधर और फिर यहाँ से यहाँ। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए चोली बना के कंप्लीट कर ली। इसके ऊपर भी हमने 3 मिरर लगा लिए हैं। अभी हमारा फैब्रिक ग्लू सूखा नहीं है। हमने यहाँ से देखिए 2 डोरी लगा ली है। अब देखिए ये हिस्सा हमारा ऐसे पीछे चला जाएगा, ये हिस्सा भी हमारा ऐसे पीछे चला जाएगा। और जब ये दोनों पीछे जाएगा तो हम डोरी की हेल्प से ऐसे करके बांध देंगे। ये देखिए यहाँ से ये बन जाएगा, ये बहुत अच्छे से आ जाएगी सेट। सो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पे ये ड्रेस बना के तैयार कर ली। सो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।